क्लास टेंथ में साइंस का एक चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, उसका एक लेक्चर हमने पहले कर लिया है, ये लेक्चर टू है। हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है ना? क्या होता है इकोसिस्टम भाई? ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, बल्कि ऐसे लिख लें, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स All the interacting organisms in an area together with non-living components of environment form an ecosystem. ठीक है ना? जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, अर्थवॉर्म्स, प्लांट्स, ग्रास, ठीक है ना, ट्रीज, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स वगैरह वगैरह। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हुए? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हुए जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, सॉयल, दूसरे और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो होते हैं जैसे मिनरल्स वगैरह, ठीक है। जब उनके साथ एक इंटरेक्शन होता है तो हम इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ये बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट है, ठीक है ना। इकोसिस्टम इज अ बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट, बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट इन विच यू नो Living organisms and non-living organisms interact with each other. Non-living components na, of environment interact with each other. राइट? ये बिल्कुल बेसिक है। इन्वायरमेंट में एक बेसिक जो सिस्टम है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आज जरा सिस्टमेटिक उसको देख रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट, ठीक है ना, और ये है नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है ना, बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है ना। इसके फिर तीन पार्ट्स हैं, इसके तीन पार्ट्स कौन कौन से भाई? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स।
इसके दो पार्ट्स हैं। एक है फिजिकल फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स मतलब जैसे टेम्परेचर प्रेशर वगैरह, ठीक है ना, जैसे टेम्परेचर या विंड, ठीक है ना, जो जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर वाले फैक्टर्स हैं वो फिजिकल फैक्टर्स कहे गए। और एक एडिफिक फैक्टर, ये क्या होते हैं, जैसे सोयल, मिनरल, ये सब अर्थ क्रस्ट के नीचे वाले, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट वो जो लिविंग कंपोनेंट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें जान होती है किसी तरीके से, ठीक है ना। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट उस नॉन लिविंग कंपोनेंट को बोलते हैं जिसमें जान नहीं होती लेकिन वो लिविंग के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, ठीक है ना, इनके लिए वो जरूरी है और उनका यूज ये कर लेते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स के तीन पार्ट्स हैं, कौन कौन से, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पिछले लेक्चर में हमारी बात हुई थी बहुत डिटेल में, अभी हम लोग इसको लिख लिख के कर लेंगे। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं दोज विच मेक देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर का बनाया हुआ खाना खाते हैं। इनकी तीन कैटेगरी होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। हम लोगों ने बात की थी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ठीक है ना। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, इनमें कंज्यूमर्स में तीन कैटेगरी होती है, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी क्या होते हैं, जो केवल घास फूस खाते हैं, पत्ते, पेड़ पत्ते खाते हैं, जैसे कि डियर, गोट, ठीक है ना, जैसे कि कोई ग्रेजिंग एनिमल होता है, काऊ। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा जाते हैं, जैसे हिरन को खा जाता है लायन, शेर, तो वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है ना। और ओमनी कंज्यूमर क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर, वो दोनों को खा जाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमन बीइंग या कॉकरोच, दो ही इस कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि उस पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे नैरो होता जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा और कंज्यूमर्स कम है और उनमें भी टर्शरी कंज्यूमर सबसे कम है, ठीक है ना। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो वेस्ट को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, ये इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड एनिमल्स से, डेड प्लांट्स, डेड वेजिटेबल्स से इनको वो एनर्जी मिलती है और ये उसी को डीकम्पोज कर देते हैं, उसी को नष्ट कर देते हैं। ये डीकम्पोजर्स का भी बड़ा रोल है। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इसके भी दो फैक्टर्स हैं, फिजिकल और एडिफिक। फिजिकल फैक्टर वो है जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर की ओर है, टेम्परेचर है, विंड है, प्रेशर है वगैरह वगैरह, और एडिफिक फैक्टर है वो है जो अर्थ क्रस्ट के नीचे, जैसे मिट्टी, मिट्टी का क्या टाइप है, या फिर उसके अंदर क्या क्या मिनरल्स हैं, कहाँ पर, कहाँ की मिट्टी कैसी है और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सब, ठीक है ना, वो एडिफिक फैक्टर में आता है, ठीक है। एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं, डीकम्पोजर्स क्या हैं। अभी तक तो हम लोगों ने केवल पिरामिड बना के या फिर फ्लो चार्ट बना के सब देख लिया था, लेकिन अब लिखने को आएगा कि भाई प्रोड्यूसर्स के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे, ऐसे कर करके देखते हैं, ठीक है ना। इतनी बात नोट करो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में हमने पढ़ा था क्या क्या, प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स की बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर दोज अबायोटिक कंपोनेंट्स विच फॉर्म देयर ओन फूड, ठीक है ना, दोज बायोटिक कंपोनेंट विच फॉर्म देयर ओन फूड एंड दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है ना, इसके बारे में हमने जिक्र किया है कि ये
फोटोसिंथेसिस वगैरह से इनके पास क्लोरोफिल नाम का एक कंपोनेंट होता है, जिसकी कंपाउंड होता है, जिसकी सहायता से और सनलाइट की सहायता से ये फूड बना लेते हैं। तो एक तरह से सन की सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। फूड चेन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट था बायोटिक कंपोनेंट का कंज्यूमर्स, ठीक है ना। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स वो कंपोनेंट होते हैं जो फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। दे डू नॉट फॉर्म देयर फूड, दे डू नॉट फॉर्म देयर फूड, देयर फूड एंड डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर द फूड। ठीक है ना। कंज्यूमर्स कितने तरीके के होते हैं भाई? तीन तरीके के होते हैं कंज्यूमर्स। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी कंज्यूमर, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं वन डिग्री कंज्यूमर। पढ़ते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, लिख सकते हैं वन डिग्री कंज्यूमर्स, ठीक है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स, या इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। हर्बीवोर्स ये कौन से जानवर होते हैं? जो केवल घास और पत्ते और पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? ये प्रोड्यूसर्स का वो फूड खाते हैं जो घास और पेड़ पौधों में होता है, ठीक है ना। क्या होते हैं हर्बीवोर्स? दे ईट हर्ब्स, हर्ब्स और ग्रास और प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट में क्या हो गया? जैसे फ्रूट हो गया, ठीक है ना, उनकी लीव्स हो गई, फ्रूट हो गया, या उनके फ्लावर्स हो गए, उनको खाने वाले जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द कंज्यूमर इज सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम ऐसे लिखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है ना, या हम इनको लिखते हैं कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स, ठीक है ना। कॉर्निवोर्स क्या होते हैं? ये उन एनिमल्स को खा जाते हैं, ठीक है ना। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे उनके एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते थे डियर, काउ, ये सब जो प्राइमरी जो एग्जांपल थे ना, प्राइमरी कंज्यूमर के एग्जांपल थे डियर, काउ वगैरह, ठीक है ना, जो केवल घास और फूस खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो इनको खा जाते हैं, जैसे कि लिख लो दोज विच ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। यानी प्राइमरी एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स? वो एनिमल्स जो घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, उनको, ठीक है ना, ये उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो खाना बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जड़ें, ठीक है ना, ग्रास, ये होते हैं जो सनलाइट से लाइट लेकर खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर खाना बना देते हैं तो उसको खाने वाला कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर उनको घास फूस को पत्तों को खा जाता है, जैसे कि हिरन, काओ यानी कि गाय, गोट, बकरी, ये सब जानवर ऐसे हैं जो केवल घास फूस खा जाते हैं और प्लांट्स खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? जिनको हम कॉर्निवोर्स बोलते हैं, ये उन प्राइमरी एनिमल्स को खा जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने अगर एग्जांपल लिया डियर और काओ फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो सेकेंडरी कंज्यूमर वो है जो इन डियर और काओ को खा जाते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल में आएगा जैसे लायन, ठीक है ना, लायन, टाइगर या फॉक्स, ठीक है ना, ये सब। बहुत सारे और हैं, बहुत सारे और जानवर हैं
जो केवल नॉन वेजिटेरियन ही हैं और वो केवल दूसरे जानवरों को ही खाते हैं, ठीक है ना। टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ये कंज्यूमर्स के टाइप चल रहे हैं भाई। टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स या इनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो सबको खा जाते हैं। दे ईट एनिमल्स, दे ईट एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स बोथ। ये जानवरों को भी खाते हैं और ये प्लांट्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, पेड़ पौधों को, पत्तों को, रूट्स को, सबको खाते हैं। ये ओमनीवोर्स होते हैं। इनकी कैटेगरी में आता है ह्यूमन, इंसान, ह्यूमन। और एक और जो सब कुछ खा जाता है वो है कॉकरोच। कॉकरोच और ह्यूमन, ये दो ऐसे स्पीशीज हैं इस धरती पर जो सब कुछ खा सकते हैं। ये हर्ब्स को भी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं, फ्लावर्स को भी खाते हैं, रूट्स को भी खाते हैं, लीव्स को भी खाते हैं। और उसके अलावा वो इन जानवरों को भी खा सकते हैं जो प्राइमरी हैं या जो सेकेंडरी हैं, सबको। दे आर ओमनीवोर्स, सबको खाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो कंज्यूमर्स तो हो गए तीन तरह के, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बायोटिक कंपोनेंट्स के तीन टाइप हैं, कौन कौन से, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स तो वो हो गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों पर डिपेंड होते नहीं है, ठीक है ना। और कंज्यूमर्स हैं तीन तरह के, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉर्निवोर्स, एंड टर्शरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओमनीवोर्स। एंड टर्शरी कंज्यूमर्स आर दोज कंज्यूमर्स विच कैन ईट एनीथिंग, आई मीन अलॉन्ग विद हर्ब्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स, एवरीथिंग दे कैन ईट है। लेकिन ये है, मैं आपको उस दिन बता रहा था कि जब हम पिरामिड बनाते हैं प्रोड्यूसर का, फिर प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का, तो ऊपर की ओर जाते जाते कम हो जाती है संख्या। प्रोड्यूसर्स आर मैक्सिमम इन नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर गुड इन नंबर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लेस एंड टर्शरी कंज्यूमर्स आर वेरी लेस, ठीक है ना। तो खाना बनाने वाले ज्यादा हैं और खाने वाले कम है, और ज्यादा खाने वाले और हर तरह का खाना खाने वाले और कम हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इनका पिरामिड बनता है। और इसी में तीसरा कंपोनेंट था, बायोटिक कंपोनेंट्स में तीसरा था डीकंपोजर्स। क्या होते हैं भाई, ये डेड एनिमल्स और डेड ऑर्गेनिजम्स से जो एनर्जी इनको मिलती है ना, केमिकल्स, उनके डीके से, उनके टूटने से जो एनर्जी मिलती है उसी पर ये काम करते हैं, ठीक है ना। दे डिस्ट्रॉय दी waste of living organisms, ये भी बहुत जरूरी चीज है। मान लीजिए कोई जानवर मर गया, ठीक है ना, अब वो पड़ा हुआ है, अगर वो डिकम्पोज ना हो तो पड़ा रह जाएगा ऐसे ही, ठीक है, स्मेल आएगी उसमें, वो सड़ेगा। लेकिन क्या होता है, बैक्टीरियाज और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजर्स हैं जो इनको डिकम्पोज कर देते हैं, खासतौर पर बैक्टीरियाज इनको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है ना। और उनकी जो केमिकल एनर्जी है, उनके डीके से जो केमिकल एनर्जी निकलती है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे वो सर्वाइव करते रहते हैं। तो कोई सब्जी गिर गई, कोई पेड़ पौधा, कोई मर गया, कोई जानवर मर गया, तो उसको डिकम्पोज करने का काम ये डिकम्पोजर्स ही करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, आई टेल यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, अदरवाइज दिस अर्थ विल बी फुल ऑफ यू नो वेस्ट ओनली, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, जरा इसको नोट करें। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स का डिटेल तो हमने कर लिया, इसी तरीके से टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मेनली दो टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं, मेनली देर आर टू टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम
नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नेचुरल में भी दो होते हैं, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल में भी दो होते हैं, आर्टिफिशियल में भी दो होते हैं। आर्टिफिशियल कौन से? मैन मेड, इसमें भी दो होते हैं। एक होता है क्रॉप फील्ड, ठीक है ना, और दूसरा होता है गार्डन। ठीक है ना, एक एक करके देखते हैं जरा। नेचुरल मतलब क्या? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेचुरल इकोसिस्टम्स आर दोज इकोसिस्टम्स विच आर नेचुरली फॉर्म्ड एंड मैन हैज नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज इकोसिस्टम्स। नेचुरल इकोसिस्टम कौन से होते हैं? जो नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है ना, दे आर नेचुरली फॉर्म्ड। इसमें आदमी का कोई रोल नहीं, मैन हैज नो रोल, ठीक है ना, कोई आदमी किसी इंसान का कोई रोल नहीं, अपने आप बन गए। जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होते हैं, एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट। अब जंगल है, जंगल अपने आप बना है, इसमें किसी आदमी का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। किसी इंसान ने जंगल थोड़ी बनाया, किसी इंसान ने अगर कोई छोटा जंगल बनाया भी हो, उसमें कोई रोल हो, पेड़ लगा दिए हो, तो अलग बात है। लेकिन धरती पर तो नेचुरल नेचुरल फॉरेस्ट पहले ही से था ना, नेचुरल रेन फॉरेस्ट है, नेचुरल तरह तरह के फॉरेस्ट होते हैं। तो ये जो जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है, इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जंगल जंगल फॉरेस्ट इज अ वेरी वेरी परफेक्ट इकोसिस्टम। आप देखें फॉरेस्ट में सब कुछ बेतरतीब दिखता है, बट वो जो केओएस है ना, केओस है जो है ना, वही उसका परफेक्शन है। दैट इज परफेक्टली इन ऑर्डर। आप देखें हर जानवर, हर इंसेक्ट, हर अर्थवर्म, हर पेड़ पौधा, जितनी भी चीजें हैं उसमें, जमीन के अंदर वाले जानवर, जमीन के ऊपर वाले जानवर, हवा में उड़ने वाले जानवर, और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, टर्शरी कंज्यूमर, सब एक एक ऑर्डर में चलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट सिंक है। ऊपर से देखने में जंगल लगेगा जैसे कि कोई बहुत ही जब बड़ा केओस है, लेकिन एक्चुअली वो परफेक्टली ऑर्डर है उनका। और आप देखें जंगल को कोई देखभाल नहीं करता, लेकिन हरे भरे रहते हैं, कोई उनकी देखभाल करने नहीं जा रहा। जंगल में कौन जाता है पौधों को पानी देने के लिए, कौन जाता है जानवरों को पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, लेकिन सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, नेचर की ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। तो ये है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे, सारे एक्वेटिक, सारे पॉन्ड्स और ये सब चीजें, सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉरेस्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। एक्वेटिक सिस्टम में क्या आता है? एक्वेटिक सिस्टम में आता है पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है ना। आप किसी तालाब को देखें, तालाब में देखें कितना परफेक्ट चलता है। तालाब में क्या है? मछलियां हैं। तालाब में और क्या है? तो उसमें फंगाई है। तालाब में और क्या है? तो इंसेक्ट्स हैं, वो अर्थवर्म्स हैं, दूसरी और चीजें हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तालाब के अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, ऑक्सीजन का एनवायरमेंट के साथ सिंक है, ठीक है ना। बात समझ में? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल, यू नो ऑल द स्टोरी, BOD, CO2, एवरीथिंग, ठीक है ना। देख पॉन्ड भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है, परफेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम है पॉन्ड, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए गए हैं, लेकिन ये नेचुरली पॉन्ड्स बहुत सारे पाए जाते हैं धरती के ऊपर। ऐसी ऐसी जगहों पर भी पॉन्ड्स और लेक्स हैं जहां पर इंसानों की पहुंच नहीं है, और एंड दे आर परफेक्टली इन ऑर्डर। सारे एक्वेटिक एनिमल्स, उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं बताओ? क्रोकोडाइल है, फिश है, ठीक है, फ्रॉक्स हैं, ठीक है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगाई है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है ना। तो नेचुरल इकोसिस्टम के दो टाइप्स हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसमें फॉरेस्ट वगैरह आते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसमें पानी की वाटर बॉडीज आते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो है जो मैन मेड है, ठीक है ना, इट इज मैन मेड। ये इंसानों ने बनाया है। क्या क्या बनाया है इंसानों ने? जैसे खेत है, जैसे मान लीजिए गेहूं बोया इंसानों ने खेत में, बढ़िया उसकी जुताई करके गेहूं बो दिया। अब उसमें आप देखें क्या क्या चीजें हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है? क्रॉप,
जो फसल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थवॉर्म है नीचे मिट्टी के नीचे, केचुआ जिसको बोलते हैं वो चल रहा है, वो मिट्टी को लगातार रिसाइकल कर रहा है, वहाँ पर माउस हैं, वहाँ पर फ्रॉग्स हैं, चूहे हैं, मेढक हैं, दुनिया भर की और चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके, ठीक है ना, और दूसरे बैक्टीरियाज हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर है, सनलाइट है, विंड है, सॉयल है, मिनरल है, उसके अंदर सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में चल रहा है। आप बताएं अगर सनलाइट नहीं होती, अगर धूप नहीं होती तो क्या कोई फसल उगती? अगर पानी के, अगर मिट्टी के अंदर के मिनरल्स नहीं होते तो कोई फसल होती? ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चने वने की जो फसल है वो तो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है ना, क्लोरोप्ला वो फोटोसिंथेसिस तो चली रही है साथ साथ, ठीक है। तो ये क्रॉप फील्ड है। दूसरा दूसरा जो मैन मेड है वो है गार्डन। गार्डन कैसा होता है, पौधे लगा दिए, पेड़ पौधे लगा दिए, फ्लावर्स लगा दिए, ग्रास लगा दी, उस गार्डन के अंदर भी देख लें क्या क्या है, पेड़ है, जो लिविंग लिविंग कंपोनेंट है वो क्या क्या है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल पत्ती वाले पौधे हैं, ग्रास है, ठीक है, फ्रॉग्स हैं, दूसरे इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं वहाँ पर गार्डन के अंदर, ठीक है ना, ये तो लिविंग लिविंग कंपोनेंट्स हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, सॉयल, मिनरल, ठीक है ना, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और अगर ये एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में नहीं होंगे, परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होंगे तो गार्डन भी बनेगा नहीं, ठीक है ना, तो गार्डन भी बेकार हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मान लीजिए लाइट ना मिले, पौधे नहीं बड़े होएंगे, मान लीजिए मिट्टी अच्छी ना हो, बेकार हो जाएंगे पौधे सारे, मान लीजिए वहां पर अर्थवॉर्म्स ना हो तो वो मिट्टी की फर्टिलिटी को नहीं मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है ना, इंसेक्ट्स ना हो तो पता लगा कि जो पत्तियां गिरी हैं, जो फूल गिर गए उनको कौन खाएगा, कौन उनको खराब, डिकम्पोजर्स का होना भी बहुत जरूरी है, कंज्यूमर्स का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस इकोलॉजी में, इस इकोसिस्टम में सबका होना बहुत जरूरी है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, एक इंसान की ही इंपॉर्टेंस नहीं है, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में इंसान का कोई रोल नहीं है। अगर इस धरती से सारे इंसान हट जाएं, सारे इंसान खत्म हो जाएं, तो भी इस धरती पर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आज कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएं तो हम 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। आज अगर ये प्लांट और वेजिटेबल और ये घास और ये सब खत्म हो जाए, हम 1 महीने से ज्यादा यहां पर जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो ये है इकोसिस्टम का टाइप, ठीक है, इसको आप नोट करें।